मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़ से, और आज हम खड़े हैं शैक्षिक संस्थान में, शैक्षिक संस्थान जिसका नाम है बाबा पातिराम। लगभग मथुरा में सभी लोग जानते हैं बाबा पातिराम के नाम से, और उन्हीं की एक ये संस्था है, शैक्षिक संस्था है, यहाँ पर शिक्षा का कार्य होता है। लेकिन आज जो हम यहाँ आए हैं ना, किसी कारणवश आए हैं, तो वो कारण है साल का फंक्शन। आप कहेंगे कि साल का फंक्शन क्योंकि जो बच्चे इंटर पास कर चुके हैं वो अब इस कॉलेज से विदा होंगे, और जो नए बच्चे आएंगे उनका आरंभ मतलब आगमन होगा, नए बच्चों का स्वागत होगा और पुराने बच्चों की विदाई होगी। और आने वाले समय में पेपर आ रहे हैं, पेपरों के बाद बच्चे कोई किसी कॉलेज में जाएगा, कोई किसी कॉलेज में जाएगा, उसी को लेकर के एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। मैं पहले कहूँगा एक बार इधर आएँ और थोड़ा सा दिखाएँ कि ये जो प्रोग्राम है, ये एनिवर्सरी अर्थात आप सेलिब्रेशन प्रोग्राम बोल सकते हो, साल का प्रोग्राम बोल सकते हो, इसे कई भाषाओं में बोला जाता है, लेकिन जैसी लैंग्वेज वैसी भाषा होती है। आप जो बच्चे इंटर कर चुके हैं वो दूसरे कॉलेज में जाएंगे और नए बच्चे इस कॉलेज में आएंगे। जिन बच्चों का दाखिला होना है नर्सरी, केजी, प्री में, उस तरह के बच्चे ये इसमें कॉलेज में आएंगे, उन्हीं के लिए ये प्रोग्राम किए जाते हैं, और साल में इन बच्चों का मनोरंजन भी किया जाता है। समय समय पर ये प्रोग्राम होते रहते हैं। और आज एक मुझे इस कॉलेज में आकर के एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी, वो मैसेज था सोशल मीडिया का। जिस सोशल मीडिया का आज की डेट में हर बंदा एक गुलाम हो चुका है, आँख खुलती है सबसे पहले फ़ोन हमारे हाथ में होता है। अगर हमारा कोई भी काम होगा इस फ़ोन के बगैर नहीं होगा। हमारी आँखें इस फ़ोन से खुलती हैं, हम सोते हैं इस फ़ोन से सोते हैं, उसको लेकर के भी आज एक बच्चों ने बहुत बढ़िया मैसेज दिया था। क्या कितना अमल होता है इस चीज़ पर, क्या नहीं होता, उस पर भी ध्यान देंगे। और यहाँ पर बाबा पातिराम विद्यालय के हमारे ऑनर कहिए या सब कुछ सर्वे सर्वा कहिए, शुभ नाम सर, पहले अरविंद कुमार जी, सर आज क्या प्रोग्राम है और क्या बच्चों को मैसेज दिया जा रहा है? स्कूल की 10 साल की कंप्लीट होने पर 10th में एनिवर्सरी मना रहे हैं हम लोग, और बच्चों को कल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से उनके नैतिक गुणों के लिए, उनके भविष्य के लिए और उनके फ्यूचर में जो प्लानिंग है उनके लिए कार्यक्रमों के माध्यम से समझाया जा रहा है। अच्छा, आज मैंने एक चीज़ और देखी यहाँ पर, अक्सर इस चीज़ से हर अभिभावक और हर बच्चा पीड़ित है, पीड़ित भी क्या कहूँ, एक ये समझ लिया गुलामी की मानसिकता में हम जा रहे हैं कि आँख खुलेगी तो फ़ोन, सोएंगे तो फ़ोन, बच्चों की पढ़ाई पर हम ध्यान नहीं दे रहे, और फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे मार्क्स नहीं लेके आ रहे, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। बच्चे मोबाइल और सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा ग्रसित हो गए हैं कि उनके चारों तरफ इसका एक जाल है। उसका एक हमने प्रोग्राम भी दिखाया अभी बच्चों के माध्यम से, यदि मम्मी पापा और घर में इससे थोड़ा सा दूरी बनाई जाए तो बच्चे पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से, इस पर हमें रोक नहीं होगा, रोक लगानी होगी जी। देखिए, जब तक हम ना तो टीचर को गलत कह सकते ना किसी और चीज़ को, क्योंकि हमें स्वयं में परिवर्तन करना होगा, और स्वयं का परिवर्तन ये होगा कि अपनी फैमिली को समय दीजिए, अपने बच्चों को समय दीजिए। अगर अच्छा भविष्य चाहते हैं तो अपनी फैमिली और अपने बच्चों को समय दें, अन्यथा की स्थिति में वो वक्त आ जाएगा कि बच्चे माँ बाप को अभी तो आश्रम में भेज रहे हैं, किसी टाइम पर रोड पर भी छोड़ने लग जाएंगे, जैसे आजकल छोड़ भी रहे हैं। आइए, जैसा कि हमने कहा ना, ये फंक्शन कल्चर प्रोग्राम हो रहा है, और आप देख सकते हैं कितना उत्साह बच्चों में है, और बड़े ही उत्साह के साथ ये बच्चे देख रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन जो सोशल मीडिया की मैंने चीज़ कही थी एक्टिविटी के लिए वाले में बोला था, क्या उस पर ये बच्चे अमल करते हैं, वो तो आने वाला भविष्य। मैं कहूँगा एक बार ज़रा दिखा दें कि यहाँ पर अभिभावक भी आए हुए हैं प्लस बच्चे भी हैं और प्रोग्राम को देख रहे हैं, और देखते हैं हम जो अभिभावक यहाँ पर आए हैं उन अभिभावकों में कितना परिवर्तन, जो एक मैसेज दिया गया था बच्चों के द्वारा सोशल मीडिया का, उसका कितना असर इन अभिभावकों पर पड़ता है और कितना बच्चों की तरफ ये ध्यान देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज था एक, कि आज की डेट में हम सभी लोग सोशल मीडिया के गुलाम होते जा रहे हैं, किसी टाइम अंग्रेजों के थे, आज उन्हीं की, आज की जो नई तकनीक है उसके गुलाम होते जा रहे हैं।
कहीं ना कहीं हम अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं। अगर आप सुबह मोबाइल खोलते किसी भी रीजन से तो सबसे पहले आपको रील मिलेगी जिसमें भद्दे भद्दे डांस, भद्दे भद्दे चीज़ें, भद्दे भद्दे लैंग्वेज में गालियां तक मिलती हैं। और यहाँ पर कुछ मुख्य अतिथि आए हुए हैं, हमारे जो गणमान्य लोग हैं मथुरा के, और वो भी एक बढ़िया मैसेज देते हैं। लेकिन अब देखना है कि परिवार वाले इस मैसेजों पर कितना अमल करते हैं। और आज के बारे में पूछते हैं, प्रोग्राम के बारे में कि कैसा रहा सर। आज स्कूल में आए, प्रोग्राम हो रहा है, क्या कहेंगे बच्चों के लिए और इस स्कूल के लिए? बहुत अच्छा वातावरण है और बच्चे जो देश का भविष्य है, बहुत ऊर्जावान बच्चे होते हैं। वो आने वाला समय, आने वाला भविष्य इन बच्चों के कंधों पर ही है। और प्रत्येक विद्या संस्थान का ये कर्तव्य है कि बच्चों में शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रभक्ति की भावना बच्चों में डालें, जिससे कि बच्चे राष्ट्रभक्त बने और राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए वो आगे जो भी काम करें, जिस फील्ड में भी जाएं, वो देश के लिए काम करें, जिससे कि हमारा देश जो पूर्व में विश्वगुरु हुआ करता था, आने वाले समय में भी विश्वगुरु हो। और सौभाग्य से हमारे यशस्वी और विश्व के लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आने वाले 2047 में जब देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, उस समय देश को विश्वगुरु बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, विकसित भारत बनाना है और हर क्षेत्र में भारत को अग्रणी देश बनाना है। ऐसे संकल्प को हम सभी लोग जो वर्तमान की पीढ़ी है और आने वाला भविष्य जो इन बच्चों के रूप में पीढ़ी आ रही है, उन सभी का यह कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री जी के सपना और देश के जो 8 लाख युवा बलिदान हुए, उनका जो सपना था, जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने अपना बलिदान दिया, उनके सपनों को हम पूरा करें। और सभी शिक्षण संस्थानों का ये कर्तव्य है कि शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों में राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रगाढ़ करें, मजबूत बनाएं, जिससे कि बच्चे गलत रास्ते पर न जाएं और हमारा देश इन बच्चों के ऊर्जा के सहारे, इन बच्चों के कर्तव्य परायणता के सहारे आगे बढ़े, विश्वगुरु बने, सशक्त भारत बने, विश्वगुरु भारत बने। ऐसे निवेदन के साथ मैं सभी बच्चों को आशीर्वाद देता हूं कि वह अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयां प्राप्त करें। इस शिक्षण संस्थान को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि वह अपने उद्देश्यों में सफल हो और बच्चों में शिक्षा का जो संस्कार वह प्रेरित डाल रहे हैं, दे रहे हैं, उस अपने उद्देश्य में वह सफल हो। ऐसे डिवीज़न के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।